हांडी में खिचड़ी भी पकती है और तवे पे रोटी भी बनती है। मिट्टी की हांडी 15 से 20 रुपए में मिलती है, 3-4 महीने चलती है, यूज एंड थ्रो है, टूट गई तो फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, उससे हमारी इकोनॉमी भी चलती है। हाँ, गैस पे चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी की हांडी में दाल पकाई या चावल पका, कुछ भी पकाया, तो गैस धीमी रखिए। मिट्टी की विशेषता है कि उसको आग धीमे 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 चलेगी, तो धीमी आग में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप उंगली चाट जाएंगे। आज हिंदुस्तान में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए 5-स्टार होटल में 400 रुपए लगते हैं, दिल्ली बंबई में हांडी की दाल। कभी जयपुर जाइए तो जयपुर शहर से पहले एक चौकी ढाणी करके रेस्टोरेंट बना है, तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि मिट्टी की हांडी की दाल मिलती है, और वो 250 रुपए की थाली देता है और दाल तो थोड़ी ही देता है, दूसरी बार ले लो तो 400 रुपए ले लेता है। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया, 400 रुपए में तो 10 हांडी घर में आती है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के, घर में 4 हांडी ले आए और उसमें दाल पकाए, वो उनको तकलीफ लगता है। तो मेरा तो आपसे कहना, मिट्टी की हांडियां शुरू करिए लाना। मैं तो, मुझे बचपन का याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरी दादी माँ दूध बनाती थी मिट्टी की हांडी में, दूध पकाती थी और बहुत धीमी धीमी आंच पर वो दूध पकता था, पकते पकते एकदम लाल हो जाता था और उस दूध का जो स्वाद है वो किसी दूध में नहीं आता, और उस दूध का जब दही जमाते थे एकदम लाल सुरख दही होता था, उसका जब मक्खन निकालते थे तो मक्खन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाछ पीते थे माने लस्सी, और भी अद्भुत होती। वो स्वाद हमने सब भुला दिया, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए। कुकर ले आए, यूटेंसिल्स आ गए, फ्यूचुरा आ गया, फिर ये आ गया, महंगे महंगे चीजें, सस्ती चीज क्वालिटी। अब मैं आपको जो और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो ये कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है। दाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। सब्जी पकाई, स्टोर करके रखनी ही है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए। दही बनाया, स्टोर करके रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। दूध रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। ये स्टोरेज के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, पकाने के लिए भी सबसे अच्छी। कांच भी मिट्टी का ही एक स्वरूप है, कांच जो बनता है ना मिट्टी से ही बनता है, सिलिका, सिलिका माने मिट्टी, तो कांच का बर्तन भी मिट्टी के ऑल्टरनेट के रूप में चल सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा है, उससे भी सस्ती मिट्टी है। और एक बात जान लीजिए, मिट्टी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मां है, दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए मिट्टी से मिलता है, फॉस्फोरस चाहिए मिट्टी से मिलता है, सल्फर चाहिए मिट्टी से मिलता है, जिंक चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीशियम चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीज चाहिए मिट्टी से मिलता है, आयरन चाहिए मिट्टी से मिलता है, सारी दुनिया जहान के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी सूरज की धूप में लाखों साल तपती है, लाखों करोड़ों साल तपती है। कई बार मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है उससे ज्यादा मिट्टी ने तपस्या की, लाखों करोड़ों साल से धूप सूरज की ले रही है, रिसीव कर रही है, तप रही है, उसके तपने से उसमें जो क्वालिटी डेवलप हो रही है उसको हम भूल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में आजकल मिट्टी के घड़े आना बंद हो गए, फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, मिट्टी के दिए आना बंद हो गए, चाइना से बने हुए बल्ब की झालर आ गई दिवाली पे। हम कहते तो अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में हम शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, अभी कर रहा हूं, तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुम्हार भी है। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर गया था, जलंधर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए 10-12 कुम्हारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था, भाई आपकी रोजी रोटी कैसे चलती? कहते तकलीफ में चलती है। क्यों? कहते घड़े बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, दिए बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, हांडियां बनाते हैं बिक नहीं पाते, तो जिंदगी चलती तो है, घिसट घिसट के चलती है। फिर मैं बोला अगर आपका बिकने लगे तो, उन्होंने कहा हमें बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन,
हमारे पास तो जाहिरात करने का एडवर्टीजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टीजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि दो चार हांडिया लिया, एक दो घड़े लिया, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए, जो दो चार चीजें आ जाए आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में, वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण है, आयरन की डिफिशियंसी का कारण है। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा आपको। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा, जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता। पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दर्द बटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर? माताओं को अक्सर मैंने देखा है गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8 और 9 और 7 के आसपास है, आयरन की इतनी कमी है खाने में, आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फॉस्फोरस है। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फास्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देगा। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि दो चार बर्तन खरीद लीजिए, वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार है और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार दो दो चार चार हांडियां खरीद ले, एक एक तवा खरीद ले, एक एक घड़ा खरीद ले, तो 1,50,00,000 की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। और वो 1,50,00,000 जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। है बनता आप जो है, मैं जलंधर में देखा बहुत अच्छा तवा, काली मिट्टी का तवा है, लाल मिट्टी का तवा है, पीली मिट्टी का, तीन तरह के तवे हैं जलंधर में। जहां आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के बिल्कुल बगल में बैठता कुमार, उसके पास एक तवा, मैं पूछा काली मिट्टी वाला, वो कहा ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, फिर लाल वाला उसने कहा ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है, फिर पीला वाला उसने कहा ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए, ये बाजरी। मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश में जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज जो उनके पास है परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो, मेरी ये इच्छा है, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है टीवीएस, आपका नाम टीवीएस जो मोटरसाइकिल, बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का टीवीएस ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई सीडी सुनी, सीडी सुन के वो लेक्चर में आए, लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे, मैं गाऊंगा अगर फुर्सत हुई तो। उनका आइए हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी के, कड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है, वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना वो भी मिट्टी की है, परात उसको क्या, सब कुछ मिट्टी का। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं हमारे।
अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर हजारों करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है, तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है, वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस कर, वो सब मैनेज करती हूँ मैं। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़े कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है, आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखिए, अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पी के देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खा के देखिए। आप कभी बंगाल जाते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है, मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं, उसका टेस्ट। और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्टी बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबालकर उसको फाड़ें तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5600 किलोग्राम सोना है, मंदिर के पास। आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता, उसको ये बात समझने में एक ही मिनट लगती है मिट्टी पवित्र होती है। तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो, तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन हैं आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आ ही जाए मिट्टी का पानी के लिए, दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में, तीसरी कोशिश करिए दो चार हांडियां आ जाए, तवा आ जाए, यही पटियाला के आसपास के किसी कुमार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूं, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी की, चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी, और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही है। क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें। लोहे के बर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन, एक तो स्टेनलेस स्टील है, ये अच्छा नहीं होता, रॉट आयरन बहुत अच्छा, जो प्योर आयरन फॉर्म में मिलता है ना, थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तन। तो उस लोहे के बर्तन में आप सब्जियां बना सकते हैं, दाल भी चाहे तो पका सकते हैं, लोहे की कढ़ाई आप बाजार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर कुकर से। हाँ, काली हो जाती है तो उसका तरीका बताता हूं साफ करने का। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के पहले उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, या नींबू के छिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजिए, और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रब करके कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाए।
नींबू इस्तेमाल करके सब क्लियर कर देता है। लोहे की कढ़ाई जिम्मे मंत्री साहब का तो मैं खुद यूज करता जी बर्गर। बहुत अच्छा। चीज बनूंगी साफ करने के बाद कलर ब्लैक आएगा, आयरन उसमें आने ही वाला है, वो तो आयरन ब्लैक है तो आयरन आएगा तो वो तो थोड़ी ब्लैकिशनेस आएगी, उससे घबराइए मत, क्योंकि आयरन की गोलियां खाते हैं आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा आयरन की कढ़ाई है आपके पास। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आयरन है कढ़ाई में रॉट आयरन, ये स्टेनलेस स्टील से अच्छा है और कई गुना ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा अच्छा है। स्टील अच्छा है लेकिन 100-100, 50-50, स्टील से अच्छा आयरन है। स्टील को क्या करते हैं, स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें निकिल और क्रोमियम दो केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों ही हैवी हैं, तो स्टेनलेस स्टील से अच्छा हमेशा आयरन होता है, आयरन से अच्छा हमेशा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल है और इन सब से अच्छा मिट्टी। हाँ, कुछ लोग कलई कर लेते हैं और वो कलई इसलिए की जाती है कि थोड़ा सफाई में मदद करे और उसमें ज्यादा घी भी नहीं चिपके, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा स्टिकनेस उसकी कम हो जाती है, तो वो घी ज्यादा नहीं चिपकता, तेल ज्यादा नहीं चिपकता, लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेंगे तो इतना खराब नहीं, इतना खराब नहीं। आजकल जो ज्यादा बीमारी है लगभग इंसान को तेजाब की और गैस। बहुत अच्छा, मैं अभी बीमारियों पे बात शुरू करूं उसके पहले आज के सूत्रों पे आप प्रश्न कर लीजिए। मिट्टी के रिलेटेड है, पुराने बुजुर्ग खाने के बाद मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी से नहाते भी थे, मिट्टी से बाल भी धोते थे, मुल्तानी मिट्टी से नहाना, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोना, बाल किसी के टूटते नहीं थे, सभी काले रहते थे, मजबूत रहते थे। जब से शैम्पू आया तब सोसाइटी में सस्ती है आंवला, आंवला खाइए। हाँ, आंवले को दूध से थोड़ा आगे पीछे खाइए ना, आंवला खट्टा है, दूध जो है जी चवनप्राश खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आंवले को एसिडिटी जितनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे केमिकल भी है, तो च्यवनप्राश तो खा सकते हैं, लेकिन आंवला खाइए जी। हाँ खाइए ना, देसी घी मिश्री खाइए, कोई दिक्कत। तो आप च्यवनप्राश के साथ तो दूध खा लीजिए, आंवले के और दूध के आगे पीछे एक दूसरे को रखिए। स्वामी दही के साथ, दही में मिर्ची डाल, दही में मिर्ची डालिए, काली काली मिर्च जिसको हम कहते हैं, लाल वाली अच्छी नहीं, लाल वाली मिर्च किसी चीज में अच्छी नहीं, लाल वाली मिर्च से अच्छी है हरी मिर्च, हरी मिर्च से अच्छी है काली मिर्च। आंवले के कई तरीके हैं खाने के, सबसे पहला तरीका कच्चा खा लीजिए। हाँ, लेकिन आंवले की एक दूसरी बात है, आप करके देखिए कल, थोड़ा आंवला काटिए दांत से, तुरंत इतनी लार निकलती है, इतनी लार निकलती है कि आप हैरान हो जाएंगे, और वो लार ज्यादा इसलिए निकलती है कि आंवले की एसिडिटी को कंट्रोल करे, क्योंकि लाल छाली। तो आंवले को चबा चबा के कच्चा खा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा अच्छा तरीका आंवले की चटनी बना के खाना, तीसरा अच्छा तरीका आंवले का मुरब्बा बना के खाना, चौथा अच्छा तरीका आंवले की कैंडी बना के खाना, पांचवा अच्छा तरीका है आंवले का कुछ भी बना के खाना, चाहे च्यवनप्राश चाहे उसको अमृतप्राश जो कहना, लेकिन खाइए जरूर आंवला, अचार खाइए बहुत अच्छा। आज के सूत्रों पे प्रश्न, पराठे में अगर सेंधा नमक है या काला नमक है तो जरूर दही के साथ खा लीजिए, अगर उसमें ये समुद्र के पानी वाला नमक है तो मत खाइए जी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जी सेंधा नमक से, सेंधा नमक से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल अगर लो है तो बढ़ेगा, हाई है तो घटेगा, ये दोनों काम ऑटोमेटिक करता है। मैं आपको पूरे एक साल का शेड्यूल बताता हूँ। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा, रात्रि को दिन को हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक
सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। दोबारा बताओ, दोबारा। गर्मी से बरसात, गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ बैठिए। बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का, ये मिट्टी का है। फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खत्म होने तक ये तांबे का है, और बारिश खत्म होके सर्दियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहां से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में। तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। सोना जो है ना, सोना बहुत गर्म है और चांदी बहुत ठंडी है। तो गर्मियां हैं तो सोने का पानी जहर है, लेकिन वही पानी अमृत है जब ठंड का समय है। तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पड़ा हुआ पानी, सोने के रिंग का पड़ा हुआ पानी, कुछ भी सोने का सिक्का एक छोटा सा हो, कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में डाल के रखिए। और इस पानी को मैं मेडिसिन के रूप में यूज करता हूं मेंटल डिसीज में। एपिलेप्सी के डिसीज है ना, जिनको चक्कर आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एपिलेप्टिक अटैक की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जिनके लाइफ में, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती, रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सोया नहीं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके जीवन में आ सकते हैं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। और आखिरी बात कह दूं, कफ की, हर बीमारी की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइट में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सबकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए, कफ का रेंज मैंने बताया ना, कफ का एरिया क्या है, छाती से लेके सिर तक, इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं, क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना सोने का होगा, ये सोने का होगा, ये सोने का होगा, सब सोने का है, और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चांदी का है। तो सोना जो है छाती के ऊपर के सारे अंगों में पहना जाता है, क्योंकि कफ को कंट्रोल करता है। तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जी। ये अंगूठी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले, वरना हमेशा हाथ में जो अंगूठियां पहनी जाती है नॉर्मल केसेस में वो चांदी की होती है, लेकिन ग्रहों के चक्कर है, किसी को मंगल का चक्कर है, किसी को शनि का चक्कर है, पंडित जी बताते हैं तो हम पहनते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाए हैं कि 4 महीने जब सर्दियां हैं तो सोने के बर्तन का पानी पीना है, 4 महीने जब गर्मियां हैं तो मिट्टी के घड़े का पीना है, 4 महीने जब बारिश है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है जी। पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गर्म कर लीजिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे खूब उबाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाने दीजिए, फिर बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, चाहे तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजिए, फिर उसी को दिन भर पीते रहिए। हर समय गर्म करके पीने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉइल करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दीजिए, फिर उसको किसी भी बर्तन में डाल के सवेरे से शाम तक यूज करते जी। अभी आरओ का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूं, वैसे मैं कल बताने वाला था, ये आरओ का पानी अच्छा कि नहीं, मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दे दूं मोटी सी 2-3 मिनट में, वो ये कि आयुर्वेद जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए, जिसको अमृत कहा गया।
तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें कि बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसको साल भर पिए, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं दुनिया में। आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आपकी जो छत है ना, उस छत को तो आपने सबने सीमेंटेड कराया ही हुआ है। छत में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए, इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजिए, अगर बोर है तो। बोर नहीं है तो वो पाइप को किसी टैंक बना के उसमें डाल दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए आपके घर में, और उसमें पूरा पानी डाल दीजिए। बारिश के पानी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको ध्यान रखें। बारिश के पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर अंडरग्राउंड टैंक में आपने कलेक्ट कर लिया तो साल भर, दो साल, तीन साल आप पी सकते, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान में गांव गांव के हर घर में टैंक रहता है, और 5 इंच बारिश होती है, वो एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं, उसी को साल भर पीते हैं। जॉन्डिस की बीमारी उस एरिया में कभी नहीं होती, क्योंकि बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे भी हो आप इकट्ठा करिए। दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो नदियों से आने वाला, जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे गंगा नदी है, ये सीधे ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर की बर्फ है, वो पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर उसका पानी नदी में आता है। तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो ग्लेशियर से आती है, पहाड़ों से आती है। तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालाबों का, जो बारिश के पानी के रूप में ही इकट्ठा होता है। और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का, जो बारिश के पानी को रिचार्ज करके ही बोरिंग में आता है। और पांचवा सबसे अच्छा पानी होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो आप पीते हैं। अब आप सोच लीजिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी लास्ट में है, तो माने सबसे खराब है, सबसे अच्छा बारिश का। तो अब आपको तो कॉरपोरेशन का पानी है, ये आपकी मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए, 2-4 हजार रुपए खर्च करिए, या ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रुपए खर्च करिए। आपकी छत में स्लोप बना दीजिए और एक पाइप में पूरा पानी उतारिए, फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंडरग्राउंड उसमें उतार। मैंने मेरे घर में ये व्यवस्था की है, मुश्किल से 22 हजार रुपए का खर्चा आया, और उस खर्चे में मैं हर साल 1 लाख लीटर पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे टैंक में उतना आ जाता है। साल भर हम पीते हैं, हमारे पड़ोसी भी पीते हैं। मेरा एड्रेस बहुत छोटा सा है, राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्धा, सेवाग्राम गांव में मैं रहता हूँ। तो हमने छोटा सा अपने घर में ऑल्टरेशन किया, छत को थोड़ा स्लोप दे दिया, और उसके बाद सारा पानी एक पाइप में दे दिया, नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, उसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, साल भर हम उसी को दिया। आप चाहें तो पंजाब में भी ये हो सकता है, हमारे यहाँ तो बारिश कम है, पंजाब में तो ज्यादा। हमारे यहाँ साल में 25 इंच बारिश है, और पंजाब में साल में 50 इंच से ज्यादा बारिश है। आप तो और भी ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और ये पानी इकट्ठा करना पड़ेगा आज नहीं तो 10 साल के बाद, क्योंकि जमीन के अंदर का सारा पानी सूख रहा है। कितने दिन आप उसको निकालेंगे? हाँ, मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए 2-4, जितना भी पानी कॉन्टेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉरपोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें, या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो कई बार, मैंने एक, आप इसको मजाक मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, मैंने एरो के जितने भी ब्रांड है मार्केट में, एरो तो एक ब्रांड है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सबका पानी निकाल निकाल के लेबोरेटरी भेजा टेस्टिंग के लिए। सभी टेस्टिंग की एक ही रिपोर्ट है कि किसी में फास्फोरस कम हो गया, किसी में कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया। फिर मैंने इन कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है, तो उसने कहा हम कब बोलते हैं? वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना, क्वालिटीफाई करना, इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं।
माने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की मशीन नहीं है हमारी, हमारी पानी को प्योर करने की मशीन है। अब प्योरिटी क्या है, कुछ हैवी मेटल्स हैं पानी के, उनको निकाल दिया हमने, पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर दी।